हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे थे फ्रेंड, देखिए आज नए सीरीज का शुभारंभ करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड, शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक का है फ्रेंड, मंदिर की परिक्रमा किसके तुल्य मानी गई है। तो फ्रेंड आपको बताना, जो मंदिर की परिक्रमा होती है फ्रेंड, वो किसके तुल्य मानी गई है। देखिए करें, पृथ्वी के, नौ ग्रहों के, ब्रह्मांड के, माता पिता के। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ब्रह्मांड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दो है, मंदिरों के विकास के प्रथम चरण में पूजा कहाँ होती थी। तो फ्रेंड आपको बताना है, मंदिरों के विकास के प्रथम चरण में फ्रेंड पूजा कहाँ होती थी। देखिए कह रहा है, पहाड़ी पर, वृक्ष के नीचे चबूतरे पर, जंगल में, मंदिर में। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन कर रहा है, बेसनगर का विष्णु मंदिर किस सदी का है। तो फ्रेंड आपको बताना, जो बेसनगर का विष्णु मंदिर है फ्रेंड, वो किस सदी का है। देखिए कर रहा है, पहली सती ईसा पूर्व, दूसरी सती ईसा पूर्व, तृतीय सती ईसा पूर्व, चतुर्थ सती ईसा पूर्व। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी द्वितीय सती ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर चार का है फ्रेंड, इष्ट देवों की प्रतिमाओं का अंकन मंदिरों के विकास के कौन से चरण में प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड आपको बताना है, इष्ट देवों की प्रतिमाओं का अंकन फ्रेंड मंदिरों के विकास के कौन से चरण में प्रारंभ हुआ है। देखिए कर रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी तृतीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच कर रहा है, मध्यकाल के राजा हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे। तो फ्रेंड आपको बताना, जो मध्यकाल के राजा हर्षवर्धन जी थे वो कहाँ के राजा थे। देखिए कर रहे, कन्नौज, आयवोल, महाबलीपुरम, ग्वालियर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कन्नौज। जो मध्यकाल के राजा हर्षवर्धन जी थे फ्रेंड, वो कन्नौज के राजा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छह का है फ्रेंड, बादामी गुफा चित्तों की प्रतिलिपियां जे एन अहिवासी तथा उनके सहायकों ने तैयार किया था, यह कार्य किसकी देखरेख में हुआ। तो फ्रेंड आपको बताना, जो बादामी की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार हुआ था फ्रेंड, वो किसके देखरेख में हुआ था। देखिए कह रहा है, खंडवाला के हैबर, फिर इसके बाद दूसरा है फ्रेंड अवनीन्द्रनाथ नंदलाल बोस, हालदार छितिन्द्रनाथ मजुमदार, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर छः का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी खंडाला वाला के है बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सात का रहा है, वेनसांग जो भारत यात्रा पर आया था कहाँ का था। तो फ्रेंड आपको बताना, जो वेनसांग था फ्रेंड वो कहाँ का था। देखिए ऑप्शन कह रहा है, जापान, श्रीलंका, रूस, चाइना। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सात का, वो हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आठ का है, बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड आपको बताना, जो बादामी की गुफा है फ्रेंड वो किस राज्य में स्थित है। देखिए कर बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आठ का फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कर्नाटक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नौ का है फ्रेंड, बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो बादामी की गुफा है फ्रेंड उसमें कितनी गुफाएं हैं कुल। देखिए कर दो, छः, चार, दस। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर नौ का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी चार। बादामी में कुल फ्रेंड चार गुफाएं स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है। तो फ्रेंड आपको बताना, जो बादामी गुफा का चित्र है किन मतों से संबंधित है फ्रेंड। देखिए कह रहा है, बौद्ध ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण, जैन ब्राह्मण, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर दस का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जैन ब्राह्मण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो बादामी गुफा में फ्रेंड ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं। देखिए कर तीन, चार, एक, दो। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी तीन। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का है फ्रेंड, बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त होता है। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो बादामी गुफा है फ्रेंड उसकी खोज किसने किया। देखिए कह रहा है, डेंजरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैमरिस, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बादामी गुफा के जो खोज किए थे फ्रेंड, वो किए थे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी स्टेला क्रेमरिस जी ने। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आया है, शिव विवाह संबंधित दृश्य किस गुफा में चित्रित है। फ्रेंड आपको बताना है शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य है फ्रेंड वो किस गुफा में चित्रित है। देखिए कह रहा है चौथी, पहली, तीसरी, दूसरी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी पहली। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, चालुक्य के राजा मंगलेश्वर का शिला लेख प्राप्त हुआ वह किस सन का माना जाता है। तो फ्रेंड आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखिए कर 570, 578, 568, 580। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 578। ठीक है चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का फ्रेंड, बादामी की जैन गुफा किस सदी का है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो बादामी की जैन गुफा है फ्रेंड वो किस सदी का है। देखिए कर 5वीं, 6ठी, 7वीं तथा 8वीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd यानी 7वीं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, महिष मर्दिनी और मातृकाओं की मूर्तियां कहाँ मिली। तो फ्रेंड आपको बताना है महिष मर्दिनी और मातृकाओं की मूर्तियां फ्रेंड कहाँ मिली है। देखिए कर बादामी, आयहोल, पट्टदकल, तीनों स्थानों पर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी तीनों स्थानों पर। ठीक है ये जो है तीनों स्थानों पर मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का है, चालुक्य कला में किन मूर्ति शिल्पों की प्रधानता नहीं रही। तो फ्रेंड आपको बताना है चालुक्य कला में फ्रेंड निम्नलिखित में से किन मूर्ति शिल्पों की प्रधानता खत्म हो गई थी। फ्रेंड देखिए कह रहे देवी देवताओं, पशु पक्षियों, काम संबंधित नाग मूर्तियों की। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd यानी काम संबंधित। ठीक है चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का है फ्रेंड, विष्णु की त्रिविक्रम स्वरूप की मूर्ति बादामी की किस गुफा में है। तो फ्रेंड आपको बताना है विष्णु की त्रिविक्रम स्वरूप की मूर्ति बादामी की किस गुफा में। देखिए कह रहा है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd यानी तीसरी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का रहा फ्रेंड, बादामी की गुफा 1 में नटराज शिव की मूर्ति के कितने हाथ हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है बादामी की गुफा संख्या 1 में जो नटराज शिव की मूर्ति मिली है फ्रेंड उसके कितने हाथ हैं। देखिए कह रहा है 12, 16, 18, 10। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd यानी 18। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, आयहोल में लगभग कितने देवालय हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है जो आयहोल है फ्रेंड उसमें कितने देवालय हैं। देखिए करें 50, 60, 70, 80। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd यानी 70। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का फ्रेंड, आयहोल का लाडखाना मंदिर किसको समर्पित है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो आयहोल का लाडखाना मंदिर है फ्रेंड वो किसको समर्पित है। देखिए करें सूर्यनारायण, उषा महेश्वर, ब्रह्मा, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1st यानी सूर्यनारायण। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का है, उत्कीर्ण लेख के अनुसार भेगुटी जैन मंदिर की स्थापना कब की गई। तो फ्रेंड आपको बताना है उत्कीर्ण लेख के अनुसार भेगुनी जैन मंदिर की स्थापना कब की गई थी। फ्रेंड देखिए कह रहा है 603, 634, 614, 684। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2nd यानी 634। ठीक है चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का है, रावण फाड़ी गुफा का समय काल क्या है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो रावण फाड़ी गुफा है फ्रेंड उसका समय काल क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है फ्रेंड उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd यानी 670 से 680 ईस्वी तक। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, रावण फाड़ी गुफा का संबंध किससे है। तो फ्रेंड आपको बताना जो रावण फाड़ी गुफा है फ्रेंड उसका संबंध किससे है। देखिए कह रहा है बादामी, महाकोट, पट्टदकल, आयहोल। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी आयहोल। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, आयहोल में बना दुर्गा मंदिर किस सदी का है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो आयहोल में बना दुर्गा मंदिर है फ्रेंड वो किस सदी का है। देखिए कह रहा है 6ठी सदी, 7वीं सदी, 5वीं सदी, 8वीं सदी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1st यानी 6ठी सदी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, आयहोल में टोडो पर उत्कीर्ण आकाशगामी गंधर्व युगल की
मनोहारी मूर्ति शिल्प किससे साम्य रखती है? तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कर रहा है बादामी, एलिफेंटा, कांचीपुरम, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी बादामी, ठीक है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 का है, रावण फाड़ी गुफा की छत पर क्या बनाए? तो फ्रेंड आपको बताना है जो रावण फाड़ी गुफा के छत पर बनाए क्या बनाए, देखिए कह रहा है ज्यामितीय अलंकरण, बेल बूटो द्वारा अलंकृत, जातक कथा अलंकृत, गंधर्व युगल। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी अलंकृत गंधर्व युगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रावण फाड़ी शैलकृत मंदिर किसको समर्पित है? तो फ्रेंड आपको बताना है जो रावण फाड़ी शैलकृत मंदिर है फ्रेंड वो किस भगवान को समर्पित है, देखिए कह रहा है दुर्गा को, शिव को, विष्णु को, सरस्वती को। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी शिव को, ठीक है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का है, पट्टदकल का पापनाथ मंदिर किस सदी का है? तो फ्रेंड आपको बताना जो पट्टदकल का पापनाथ मंदिर है फ्रेंड वो किस सदी का है, देखिए 30 सदी का प्रारंभिक काल, दूसरा है 6 सदी का अंतिम चरण, तीसरा है 7 सदी का प्रारंभिक काल, चौथा है 7 सदी का अंतिम चरण। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, गलगनाथ मंदिर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड आपको बताना है गलगनाथ मंदिर का संबंध किससे है फ्रेंड, देखिए करा है अपहोल, बादामी, बाघ, पट्टदकल। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी पट्टदकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, विरूपाक्ष मंदिर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड आपको बताना है जो विरूपाक्ष मंदिर है फ्रेंड उसका संबंध किससे, देखिए कर रहा है बादामी, पट्टदकल, महाकूट, अपहोल। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी पट्टदकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, प्रारंभ में पापनाथ मंदिर पट्टदकल किसको समर्पित था? तो फ्रेंड आपको बताना जो पट्टदकल मंदिर है फ्रेंड शुरू शुरू में किसको समर्पित था, देखिए कह रहा है शिव को, विष्णु शिव को, शिव पार्वती को, ब्रह्मा शिव को। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी विष्णु शिव को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का है, नागर शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड आपको बताना जो नागर शैली है फ्रेंड उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, देखिए कह रहा है दक्षिण शैली, इंडो आर्यन शैली, पश्चिम शैली, दक्षिण पश्चिम शैली। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी इंडो आर्यन शैली, ठीक है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, पट्टदकल का संबंध किस मंदिर से है? तो फ्रेंड आपको बताना जो पट्टदकल का संबंध है फ्रेंड वो किस मंदिर से है, देखिए कह रहा है जम्बुलिंग मंदिर, कर सिद्धेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, उपयुक्त तीनों से। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी उपयुक्त सभी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, सोमेश्वर व सुनमेश्वर मंदिर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड आपको बताना है जो संगमेश्वर और सुनमेश्वर जो मंदिर है फ्रेंड उसका संबंध किससे, देखिए कह रहा है बादामी, बाघ, आयहोल, पट्टदकल। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर यानी पट्टदकल, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, द्राविडियन शैली कहते हैं? तो फ्रेंड आपको बताना है द्राविडियन शैली किसे कहते हैं, देखिए कह रहा है उत्तर शैली, दक्षिण शैली, पूर्वी शैली, पश्चिम शैली। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी दक्षिण शैली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का है, पट्टदकल से प्राप्त त्रिपुरांतक और अंधकारी स्वरूपों की मूर्तियां कहाँ सुरक्षित है? तो फ्रेंड आपको बताना है पट्टदकल से प्राप्त त्रिपुरांतक और अंधकारी स्वरूपों की मूर्तियां कहाँ संग्रहित है, देखिए कर रहे हैं मद्रास संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, भारत कला भवन, चौथा फ्रेंड राष्ट्रीय संग्रहालय। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 का है फ्रेंड, बृहदेश्वर मंदिर के भित्ति चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है? तो फ्रेंड आपको बताना है बृहदेश्वर मंदिर के भित्ति चित्रों का प्रभाव कैसा दिखाई देता है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी अजंता तथा दक्षिणी शैली का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का है फ्रेंड, काशी विशेश्वर पट्टदकल किस सती का है? तो फ्रेंड आपको बताना जो काशी विशेश्वर पट्टदकल है किस सती का है, देखिए कह रहा है 8वीं सती, 7वीं सती, 5वीं सती, 6ठी सती। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 8वीं सती, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, आलमपुर आंध्र के जिला महबूब नगर में विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी के शासनकाल में बना मंदिर कौन सा है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट का रहा है सूर्य मंदिर, दूसरा है नव ब्रह्मा मंदिर, तीसरा है मल्लिकार्जुन मंदिर, चौथा है विरूपाक्ष मंदिर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी नव ब्रह्मा मंदिर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, महाकूट का महाकुटेश्वर मंदिर किस काल का है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो महाकूट का महाकुटेश्वर मंदिर है फ्रेंड वो किस काल का है। देखिए कर रहा है 6वीं सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 7वीं सदी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, लकुलिश व हरिहर की मूर्तियों का संबंध महाकूट के किस मंदिर से है। तो फ्रेंड आपको बताना है लकुलिश व हरिहर की मूर्तियों का संबंध फ्रेंड महाकूट के किस मंदिर से है। देखिए कह रहा है विरूपाक्ष मंदिर, महाकुटेश्वर मंदिर, नव ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी महाकुटेश्वर मंदिर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, महाकुटेश्वर मंदिर में लकुलिश के रूप में वह किस देवता को बनाया गया है। तो फ्रेंड आपको बताना है महाकुटेश्वर मंदिर में लकुलिश रूप में वह किस देवता को बनाया गया है। देखिए कह रहा है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी शिव। ठीक है चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है फ्रेंड, विरूपाक्ष मंदिर की किस दीवार पर द्वारपाल को उत्कीर्ण किया गया है। तो फ्रेंड आपको बताना है विरूपाक्ष मंदिर के किस दीवार पर फ्रेंड द्वारपाल को उत्कीर्ण किया गया है। देखिए करें पूर्वी द्वार पर, दक्षिणी द्वार पर, पश्चिमी द्वार पर, उत्तरी द्वार पर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी दक्षिणी दीवार पर। ठीक है चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, विरूपाक्ष मंदिर के बरामदे की छत पर कंपोजिशन में किस देवता के रथ पर आरूढ़ दर्शाया गया। तो फ्रेंड आपको बताना है विरूपाक्ष मंदिर के बरामदे की छत पर कंपोजिशन में किस देवता को रथ पर आरूढ़ दर्शाया गया। देखिए कह रहा है गणेश, शिव, सूर्य, कार्तिकेय। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सूर्य। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का रहा फ्रेंड, एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड आपको बताना जो एलोरा गुफा है फ्रेंड वो किस राज्य में स्थित है। देखिए कह रहा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी महाराष्ट्र। ठीक है चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, एलोरा की किस एलोरा में गुफा संख्या 1 से 12 तक किस धर्म पर आधारित है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो एलोरा में गुफा संख्या 1 से 12 तक किस धर्म से आधारित है। फ्रेंड देखिए कह रहा है बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी बौद्ध। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का रहा फ्रेंड, एलोरा गांव का प्राचीन नाम क्या था। तो फ्रेंड आपको बताना है जो एलोरा गांव का प्राचीन नाम था फ्रेंड, देखिए कह रहा है तंजौर, औरंगाबाद, एलापुर, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी एलापुर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, एलोरा में कुल कितने गुफाएं हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है एलोरा में कुल कितने गुफाएं। देखिए कह रहा है 30, 29, 40, 34। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी 34। एलोरा में टोटल फ्रेंड 34 गुफाएं स्थित है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। तो फ्रेंड आपको बताना है कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। फ्रेंड देखिए कह रहा है 15, 16, 30, 34। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 16 नंबर की गुफा में जो है कैलाश मंदिर फ्रेंड स्थित है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 का रहा फ्रेंड, कैलाश मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड आपको बताना है कैलाश मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई कितनी है। फ्रेंड देखिए कहा 26 फीट, 30 फीट, 35 फीट, 25 फीट। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी 25 फीट। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है, कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड आपको बताना जो कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई फ्रेंड वो कितनी है। देखिए कह रहा है 97 फीट, 95 फीट, 92 फीट, 90 फीट। तो
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 95 फिट। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है फ्रेंड, गुफा संख्या 13 से 29 तक किससे संबंधित है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो गुफा संख्या 13 से 29 तक किससे संबंधित है, देखिए अगर बौद्ध जैन ब्राह्मण इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ब्राह्मण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, एलोरा स्थित सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश के संरक्षण में निर्मित है। तो फ्रेंड आपको बताना जो एलोरा स्थित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है फ्रेंड उसको किस राजवंश ने बनवाया था। देखिए कह रहा है वकाटक, राष्ट्रकूट, गुप्त, अर्धचालुक्य। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी राष्ट्रकूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है, वेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा है। तो फ्रेंड आपको बताना जो वेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा कौन सी है। देखिए कह रहा है एलोरा, बाघ, सितनवासर, एलिफेंटा। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी एलोरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा का जान है। तो फ्रेंड आपको बताना है एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा का जान है। फ्रेंड देखिए कह रहा है विष्णु, कैलाश मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कैलाश मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, कैलाश मंदिर में जनन, रक्षा, संहार तीनों रूपों में का द्योतक है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो कैलाश मंदिर में जनन, रक्षा, संहार तीनों रूपों का द्योतक है फ्रेंड देखिए करा है शिव पार्वती, गांधार मूर्ति, त्रिमूर्ति, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी त्रिमूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है, दशावतार गुफा कौन सी है। तो फ्रेंड आपको बताना है दशावतार गुफा कौन सी है। फ्रेंड देखिए कह रहा है दूसरी, तीसरी, 15वीं, 16वीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 15वीं। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी कितनी है। तो फ्रेंड आपको बताना है मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी कितनी है। फ्रेंड देखिए कह रहा है 15 किमी, 12 किमी, 14 किमी, 10 किमी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 10 किमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी है। देखिए कह रहा है एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी है। फ्रेंड देखिए तीनों ओर से, दोनों ओर से, चारों ओर से, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी चारों ओर से। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी। देखिए कह रहा है शेर की, हाथी की, घोड़े की, बैल की। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी हाथी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है एलिफेंटा का एक प्रसिद्ध मूर्ति है। तो फ्रेंड आपको बताना है एलिफेंटा का एक प्रसिद्ध मूर्ति क्या है। फ्रेंड देखिए कह रहा है गंगाधर की मूर्ति, कल्याण की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी भगवान शिव की मूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है, तंजौर किस नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो तंजौर है फ्रेंड किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए कह रहा है तुंगभद्रा, गंगा, ताप्ती, कावेरी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कावेरी। ठीक है, कावेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है फ्रेंड, एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड आपको बताना है एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ था। फ्रेंड देखिए कह रहा है 8वीं शताब्दी के मध्य, 10वीं शताब्दी के मध्य, 11वीं शताब्दी के मध्य, 12वीं शताब्दी के मध्य। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 8वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है, एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो एलिफेंटा गुफा है फ्रेंड कितने क्षेत्र में बनी है। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 65 है फ्रेंड उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 129 × 130 फीट। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, एलिफेंटा गुफा जहां स्थित है उस स्थान का नाम क्या है। तो फ्रेंड आपको बताना जो एलिफेंटा गुफा जहां स्थित है उस स्थान का क्या नाम है। फ्रेंड देखिए कह रहा है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मुंबई, धारापुरी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी धारापुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है, त्रिमूर्ति की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो त्रिमूर्ति है फ्रेंड उसका लंबाई और चौड़ाई कितना है। फ्रेंड
तो जो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 24×17 फीट। ठीक है, त्रिमूर्ति की जो लंबाई चौड़ाई है फ्रेंड वो 24×17 फीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 का आ रहा है फ्रेंड, पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा भाव झलकते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा फ्रेंड कौन से भाव झलकते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट करा है करुणा के, दूसरा है क्रोध के, तीसरा है सौम्यता के, चौथा है उत्साह के। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी सौम्यता के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 का है फ्रेंड, राष्ट्रकूटों के काल में मुख्यतः मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो राष्ट्रकूटों के काल में फ्रेंड मुख्यतः मूर्तियों का निर्माण हुआ है, देखिए करा है एलोरा, एलिफेंटा, कानेरी, तीनों स्थानों पर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, यानी तीनों स्थानों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 70 है फ्रेंड, कान्हेरी की गुफा स्थित है। तो फ्रेंड आपको बताना जो कान्हेरी की गुफाएं हैं फ्रेंड वो कहाँ स्थित है, देखिए कह रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है, 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर प्रतिमा कान्हेरी की कौन सी गुफा में है। तो फ्रेंड आपको बताना है 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर प्रतिमा कहाँ पे है फ्रेंड, देखिए कह रहा है कान्हेरी की गुफा संख्या 2, 56, 14, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है, कान्हेरी की गुफा में बुद्ध प्रतिमा किस सदी की है। तो फ्रेंड आपको बताना है कान्हेरी की गुफा में जो बुद्ध प्रतिमा है फ्रेंड वो किस सदी की है, देखिए कह रहा है 5वीं सदी, 6वीं सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी। देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 6वीं सदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है, कान्हेरी की गुफा संख्या 2 व 56 में कौन सी मूर्तियों का विशेष दर्शनीय है। तो फ्रेंड आपको बताना है कान्हेरी गुफा संख्या 2 और 56 में कौन सी मूर्तियों का दर्शन होता है। फ्रेंड देखिए कह रहा है बौद्ध प्रतिमा, विशाल अवलोकितेश्वर, अलंकारिक सज्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी विशाल अवलोकितेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है, कान्हेरी गुफा में बुद्ध प्रतिमा 6वीं सदी किस काल की है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो कान्हेरी गुफा में बुद्ध प्रतिमा है फ्रेंड जो 6वीं सदी की है वो किस काल की है, देखिए कह रहा है गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, पल्लव काल। तो वो हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी गुप्त काल। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75 है फ्रेंड, छाजनदार वास्तु की शैली कहाँ की है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो छाजनदार वास्तु की शैली है फ्रेंड वो कहाँ की है, देखिए कह रहा है बादामी, अपहोल, महाकुट, महाबलीपुरम। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी महाबलीपुरम। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है, चट्टानों को काटकर बनाए गए विशाल मंदिरों को कहते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है चट्टानों को काटकर बनाए विशाल मंदिरों को क्या कहते हैं, देखिए कह रहा है रथ, इमारत, महल, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी रथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है, राजा मामतल द्वारा निर्मित एकाश्म रथों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो राजा मामतल द्वारा निर्मित एकाश्म रथों की संख्या कितनी है फ्रेंड, देखिए कह रहा है 5, 8, 9, 14। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है, एकाश्म रथों में प्रथम रथ किसका है। तो फ्रेंड आपको बताना है एकाश्म रथों में प्रथम रथ किसका है फ्रेंड, देखिए कह रहा है गणेश, दूसरा है पिंडारी रथ, तीसरा है भीम रथ, चौथा है द्रौपदी रथ। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, यानी द्रौपदी रथ। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है, एकाश्म मंदिरों रथों का निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड आपको बताना है एकाश्म मंदिरों का निर्माण जो हुआ है कब हुआ, देखिए कह रहा है नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन होगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है फ्रेंड, व्हेल मछली की पीठ के आकार के समान एक ही सेल को काटकर बनाया गया रथ मंदिर है। तो फ्रेंड आपको बताना है व्हेल मछली के पीठ के आकार के समान एक ही सेल को काटकर कौन सा मंदिर रथ बनाया गया फ्रेंड, देखिए कह रहा है द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, ये तीनों।
तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी ये तीनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 81 का है, मामतलपुरम में मुख्यतः किस धर्म से संबंधित शिल्प उपलब्ध है। तो फ्रेंड आपको बताना है मामतल धर्म में फ्रेंड किस धर्म से संबंधित शिल्प उपलब्ध है। देखिए कह रहा है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी वैष्णव धर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है, सातवीं सदी में सर्वाधिक सुंदर उदाहरण मामतलपुरम के कौन से रथ में है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो सातवीं सदी के सर्वाधिक सुंदर उदाहरण मामतलपुरम के कौन से रथ में है। फ्रेंड देखिए कर द्वौपदी भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, गणेश पिंडारी रथ, अर्जुन धर्मराज रथ। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी अर्जुन धर्मराज रथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है, शेष साई विष्णु मामतलपुरम की, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, शेष साई विष्णु मामतलपुरम किस सती का है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो शेष साई विष्णु है फ्रेंड वो किस सती का है। देखिए कह रहा है चौथी पांचवीं सती, पांचवीं छठी सती, छठवीं सातवीं सती, सातवीं आठवीं सती। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी छठी सातवीं सती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है, गंगा अवतरण का दृश्य मामतलपुरम में किस रथ में है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो गंगा अवतरण का दृश्य है फ्रेंड वो किस में है। देखिए कह रहा है द्रौपदी रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ, अर्जुन रथ। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी अर्जुन रथ, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है, महाबलीपुरम में 98 फुट लंबी 43 फुट चौड़ी चट्टान को तराशकर बनाया गया दृश्य है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो महाबलीपुरम में 98 फीट लंबी 43 फुट चौड़ी चट्टान को तराशकर बनाया गया दृश्य फ्रेंड देखिए कर रहा है भागीरथी की तपस्या, महिषासुरमर्दिनी, शेषशाली विष्णु, त्रिविक्रम। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी भागीरथी की तपस्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है, दो स्त्री द्वारपालों की दांडीधारी मूर्तियां महाबलीपुरम के किस मंदिर में है। तो फ्रेंड आपको बताना है दो स्त्री द्वारपाली दांडीधारी मूर्तियां किस गुफा में है। फ्रेंड देखिए कह रहे द्रौपदी रथ, गणेश रथ, धर्मराज रथ, अर्जुन रथ। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी द्रौपदी रथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है, उत्तर मध्यकालीन मंदिरों में किसकी प्रधानता थी। तो फ्रेंड आपको बताना है उत्तर मध्यकालीन मंदिरों में किसकी प्रधानता थी फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर जो 87 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी भव्यता व अलंकरण प्रधान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है, मंदिर निर्माण में गर्भधान क्रिया का संबंध किससे है। तो फ्रेंड आपको बताना है मंदिर निर्माण में गर्भाधान क्रिया का संबंध किससे है। फ्रेंड देखिए करा मंदिर कपाट से, मंदिर शीर्ष से, मंदिर गर्भ से, मंदिर शयन से। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी मंदिर गर्भ से, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है, शिल्प रत्न में कितने प्रकार के गवाक्षों का विवेचन मिलता है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो शिल्प रत्न में कितने गवाक्षों का विवेचन मिलता है। फ्रेंड देखिए कह रहा है 4, 6, 8, 2। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 6, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है फ्रेंड, आमलख मंदिर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है आमलख मंदिर जो है किसे कहते हैं। देखिए कह रहा है कीर्तिमुख, गवाच, प्रसाद, शीर्ष। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी शीर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है, मंडप को प्रसाद के साथ मिलाने वाले कक्ष को कहते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है मंडप को प्रसाद के साथ मिलाने वाले कक्ष को क्या कहते हैं। देखिए कह रहा है गवाच, अंतराल, महामंडप, प्रदक्षिणा पथ। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी अंतराल, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है फ्रेंड, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसको समर्पित है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है किसको समर्पित है। देखिए कह रहा है शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी विष्णु, ठीक है। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है फ्रेंड वो भगवान विष्णु को समर्पित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण काल क्या है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण काल है फ्रेंड वो क्या है। देखिए
तो अपन जो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी 1085 ईस्वी से 1090 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस प्रसंग का अत्यंत रोचक अंकन मिलता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो 94 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कह रहा है रामायण के, महाभारत के, कृष्ण के बाल लीला के, उपयुक्त तीनों। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी उपयुक्त तीनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है, कोणार्क का मंदिर किसको समर्पित है। देखिए फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये लगभग बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, तो फ्रेंड आपको बताना है जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है किसको समर्पित है। देखिए देखिए फ्रेंड मैंने ऑप्शन भी बोल दिया इसका, ये हो जाएगा सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 का है, कोणार्क मंदिर किसके शासनकाल में बना। तो फ्रेंड आपको बताना है जो कोणार्क मंदिर है किसके शासनकाल में बना है। फ्रेंड देखिए कह रहा है पल्लव शासक, गंग शासक, मौर्य शासक, शुंग शासक। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी गंग शासक। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है, नरसिंह देव गंग शासक के शासनकाल में किस मंदिर का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड देखिए कह रहा है नरसिंह देव गंग शासक के शासनकाल में किस मंदिर का निर्माण हुआ है। देखिए फ्रेंड यही क्वेश्चन उलट दिया है, तो फ्रेंड देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है फ्रेंड, कोणार्क का अर्थ है। तो फ्रेंड आपको बताना है कोणार्क का क्या अर्थ है। फ्रेंड देखिए कह रहा है सूर्य का शीर्ष, मंदिर का शीर्ष, मंदिर का कोना, सूर्य का कोना। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी सूर्य का कोना। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है फ्रेंड, कोणार्क मंदिर का कौन सा भाग कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो कोणार्क का कौन सा भाग है फ्रेंड जो सूर्य पक्ष और कृष्ण पक्ष को दर्शित करता है। फ्रेंड देखिए कह रहा है मंदिर का शीर्ष, मंदिर का रथ घोड़े, सूर्य प्रतिमा, मंदिर के रथ पहिए। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी मंदिर रथ के पहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का है फ्रेंड और यही सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड। देखिए सात अश्वों में प्रत्येक अश्व किसका प्रतीक है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो सात अश्वों में प्रत्येक अश्व किसका प्रतीक है। फ्रेंड देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 है सात रंगों में से प्रत्येक रंग का, दूसरा है सात समुद्र में से प्रत्येक समुद्र का, तीसरा है सप्ताह के प्रत्येक दिन का, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सप्ताह के प्रत्येक दिन का। ठीक है, तो फ्रेंड आज हमने 100 नंबर तक के क्वेश्चन को हल किया है, बाकी के जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो नेक्स्ट सीरीज में हल करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।